तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्ज प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये सर्ज प्रोटेक्टेड के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड लेने की सोच रहे हैं अपने घर में कोई जैसे कंप्यूटर है या किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ के लिए, जो भी बाकी हैवी इक्विपमेंट भी अगर आप चलाना चाहते हैं उसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसको अच्छे से आपको सोच समझ के लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको टेक्निकल वर्ड जो है सर्ज प्रोटेक्टेड इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। और एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया ऑलरेडी। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड है जो कि काफ़ी सस्ता है और प्लास्टिक का है। ये भी प्लास्टिक है बट इसका काफ़ी हार्ड, आप देख सकते हैं प्लास्टिक है और इसका पूरा ऐसा है कि जो कि आप अगर ऐसे भी दबाते हैं ऐसे दब जाता है, ठीक है, तो काफ़ी बेकार होता है। ये 100-150 रुपये मिल जाता है और इसका जो मैंने परचेस करा है इसकी जो कॉस्ट है वो है आपके अराउंड 400 रुपीज़ के, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन जाते तो 150 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे सस्ता तो मुझे यही मिला था, ये हेवल्स का है। सबसे अच्छी बात ये कि ब्रांडेड है, कंपनी का है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है अगर आप एक एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हैं। कभी आप जैसे यूट्यूब का लिए कंप्यूटर वगैरह का या किसी भी चीज़ का सेटअप करते हैं तो उसमें भी आप यही वाला यूज़ करें ताकि आपके कोई भी जो डिवाइसेज है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो लोकल वाले होते हैं इसका जो ये आप देख सकते हैं होल्स जो हैं वो काफ़ी अजीब से होते हैं और इसमें जो बाहर के जो जैसे कि कभी कभी आता है बाहर वाले उसमें मतलब गोल नहीं होते हैं, इस तरीके का नहीं होता है वो गोल और वो एकदम लंबे लंबे होते हैं, तो अगर वो वाला आप लगाएंगे इसमें तो नहीं लगेगा। और इवन इसमें तो जो लोकल जो यहाँ के इंडिया का जो होता है ये जो आप देख सकते हैं प्लग वो भी अच्छे से फिट नहीं होता है। मुझे नहीं पता किस ये कौन कंपनी बनाती है ऐसे करके, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर है, ठीक है, अगर मैं चार्जर को इसमें लगाता हूँ किसी में भी तो आप बिल्कुल नोट करना कि ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है और बहुत लूज़ रहता है। कभी कभी हमें आपको ऐसे टेढ़ा लगाते हो तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ख़राब हो सकता है जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि चार्जर मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर अगर आपको दिखाऊं जो कि ओरिजिनल रहता है कंपनी वाले रहता है, इसमें दोनों ये गोल वाले भी और अगर जो पतले वाले होते हैं वो दोनों इसमें फिट हो जाते हैं इजीली और बिल्कुल भी नहीं निकलते, लूज़ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे जो शॉर्ट सर्किट की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर मैंने इसको लगा दिया एक बार तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कैसे भी कर लीजिए निकलने वाला नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से फिट होता है इसमें और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे नहीं पता कि लोकल वाले ऐसा क्यों बनाते हैं इतना लूज़ पोर्ट जो इसका प्लग का होता है, ये एक बार चेक करना, लेकिन लोकल वाले इसीलिए बेकार होते हैं। और जो सर्ज प्रोटेक्शन मैं आपको बता रहा था वो ये होता है इसके अंदर कि अगर कोई सी भी बिजली में जैसे कि कम ज़्यादा आ रही है बिजली बीच बीच में तो क्या रहता है कि इसको पहले कंट्रोल करेगा, अगर वो ओवरलोड होते हैं मीन्स बिजली ज़्यादा ही आ रही है या फिर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा ही है, ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा हुआ है इसका, ये फ्यूज़ यहाँ पर उड़ जाएगा। इसका फ्यूज़ उड़ने की वजह से आपके जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें सारे के सारे सेफ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यहीं से आपका ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक फ़ायदा ये भी था कि एक अलग से आपको जो फ्यूज़ होता है इसके अंदर जो लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको फ्री भी मिलता है इसके साथ, जो कि ये भी मैंने शायद कहीं पे रखा हुआ है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इस एक्सटेंशन बोर्ड को लेने के लिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं तो लोकल वाला बिल्कुल भी मत ले, जो कि आपको 100-150 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप कभी भी लें हेवल्स का लें, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि सिस्का वगैरह का मिल जाते हैं आपको अच्छे अच्छे, तो वो चीज़ लें। और उसमें देखिए कि ये जो आपका है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्ज प्रोटेक्टेड है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बट काफ़ी अलग अलग आते हैं, जैसे कि अभी इसमें एक ही बटन है ऑन ऑफ का, तो बाकी जो लेंगे उसमें अलग अलग बटन होगा हर एक इसके लिए, स्विच के लिए, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, जो मैंने डिफरेंस आपको बताना था कि क्या डिफरेंस होता है। सो आप अगर कभी भी लें तो आप मेरी रिकमेंड लेकर के कोई भी कंपनी का ब्रांडेड एक्सटेंशन बोर्ड अपने लिए ले सकते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में कमेंट करिए, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।